तुझु बाहिम है सबसे बड़ा, दुनिया में सुन बंदा। सात अजूबे भले रहे और भी कोई हो जाएंगे, आदमी कोई बना लेगी ऐसी चीज, बना लेगा आदमी तो एक नहीं भले हजार हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा अजूबा अगर कोई रहेगा भूत भविष्य और वर्तमान में, फिर भी त्रिकाला बाधित, तो यह है इलम, यह है ज्ञान। अजूबा इल्म है सबसे बड़ा, दुनिया में सुन बंदा। अजूबा इल्म है सबसे बड़ा, दुनिया में सुन बंदा। जहां सूली जहर तलवार भी मजा देते जहाँ सूली जहर तलवार भी कुछ मजा देते हैं। या तो यीशु को पागल कहो, या तो सोक्रेटिस को पागल कहो, या तो मीरा को पागल कहो, या तो मंसूर को पागल कहो, लेकिन लोग पागल नहीं कहते हैं, लोग तो पूछते हैं। यीशु परमपिता परमात्मा का इकलौता बेटा बेटा बन गया, यीशु की वाणी को प्रमाणित माना गया, शास्त्र माना गया, उपदेश माना गया, मोक्ष का मार्ग माना गया। सोक्रेटिस को आज भी मानने वाले मानते हैं। तो अजूबा इल्म है सबसे बड़ा, इल्म सबसे बड़ा अजूबा है, भूत भविष्य और वर्तमान में ये रहेगा। कालातीत है वैसे तो ज्ञान, फिर भी ज्ञान सत्ता कभी कमजोर नहीं होगी, न भूतकाल में अतीत में हुई है, न वर्तमान में या फ्यूचर में। ज्ञान सत्ता सबसे बड़ा अजूबा रहेगा। तो अजूबा इल्म है सबसे बड़ा, दुनिया में सुन बंदा। जहां सूली यीशु को सूली चढ़ाया गया, तो यीशु क्या बोले उस वक्त? यीशु ने कहा कि हे प्रभु, इन लोगों को पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, उन लोगों पर तू कृपा करना। उसको बोध होता कि ये क्या कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करते। तो मरते वक्त भी दुआ निकले दूसरों के लिए, यही तो है हीलम। जहां सूली जहर, सोक्रेटिस को जहर दिया गया, लेकिन जहर देने के पहले 5-7 मिनट की देरी थी, और जहर घुटने वाला जहर घुट रहा था, और सोक्रेटिस मस्ती से चल रहा था, कैद किया था जहाँ वहाँ, तो जहर घुटने वाले की तो ड्यूटी थी, तो क्या करे। लेकिन वो समझ गया ये साधारण बंदा नहीं है। उसने पूछा कि 5 मिनट के बाद आपको ये जहर पीना है, आप मर जाएंगे पता है, बड़ा कातिल जहर है, आपको डर नहीं लगता? सोक्रेटिस ने जवाब दिया कि जो बात निश्चित है और बचपन से मैं जान चुका हूँ, इसका डर कैसा? मृत्यु तो निश्चित है, अनिवार्य है, आज आए या कल। अगर आज मुझे छोड़ भी दिया गया तो कल आने वाली तो है ही, तो बचपन से जिस बात से मैं अवगत हूँ, इसका डर कैसा? जहाँ सूली जहर तलवार भी कुछ मजा देते हैं। मंसूर को बड़ी बुरी तरह से खत्म कर दिया गया, उसकी आंख फोड़ दी और कहा कि अब एक बार तो तू बोल ले कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। बोले नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर तलवार से दोनों हाथ काट दिए। अब तो बोल अभी भी माफ कर देंगे, तू ब्रह्म नहीं है। बोले नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, जो सत्य है वो है, मुझे खत्म नहीं करोगे तो भी वही सत्य है, और मुझे खत्म कर दोगे तो भी वही सत्य है। तो केवल मंसूर नहीं बोला ये बात, आज तक हम सब कह रहे हैं शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो जहां सूली जहर तलवार भी कुछ मजा देते हैं, जहां सूली जहर तलवार भी कुछ मजा देते हैं, मौत का भी भय निकल जाता है,
ऐसे निर्भय अवस्था इलम प्रदान करता है। धन्यवाद।